नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको घोरपुर के एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर सुजावन देव पे ले आए हैं। सुजावन देव एक तरह के पर्यटन स्थल भी कह लीजिए, और यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो मैं आपको इस जगह घुमाऊंगा भी, और यहाँ पे जहाँ जहाँ फिल्म की शूटिंग हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे सामने एक मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर फिल्म ओमकारा में, ओमकारा की शूटिंग तो हुई है और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो पहले मैं चलता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर आपको उस मंदिर को घुमाता हूँ और फिर उस जगह को घुमाता हूँ जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई है। तो ये है वो मंदिर, तो चलिए आइए, पहले मैं आपको मंदिर घुमाता हूँ। मंदिर के ऊपरी छोर पर है और आप यहाँ से यमुना नदी का किनारा देख सकते हैं, और यमुना नदी का बेहद खूबसूरत नजारा ये। दोस्तों करीब आप प्रयागराज से 8 से 10 किलोमीटर लमसम मान के लिए, प्रयागराज स्टेशन से 10 किलोमीटर जब आप दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको घोरपुर एक जगह मिलेगी जहाँ पे ये सुजावन देव का मंदिर है। और मंदिर सुजावन देव भोलेनाथ का मंदिर है, और फेमस भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। और ये मंदिर भी उतना ही पुराना है और उसका इतना ही पुराना इतिहास है। और यहाँ पे एक चीज़ और है सबसे बड़ी कि यहाँ पे बालू खनन का काम भी बहुत ज़ोरों पे चलता है, कई मामलों को एक साथ देखने पे काफ़ी जो है चर्चित जगहों में से एक है। दोस्तों ये मंदिर हर्षवर्धन काल के समय का है और ये काफ़ी पुराना है, और कभी यहाँ के लोगों का कहना है कि कभी यहाँ पे संगम हुआ करता था। और भगवान राम भी चित्रकूट, उन्होंने यहाँ से ही प्रस्थान किया था नाव के द्वारा। दोस्तों इस मंदिर के बारे में एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी और दे दूं, ये मंदिर 2000 काल तक ठीक उसी तरीके से पड़ा था। ऊपर का जो आप छज्जा देख रहे हैं, मंदिर जो मूर्ति के ऊपर एक पंडाल टाइप का बनाया गया है, वो अकबर द्वारा बनाया गया था। और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है कैसे दीन इलाही धर्म जब चलाया गया था अकबर के समय, तो उस अकबर जब अपना किला संगम किनारे बना रहा था, उसका किला बन नहीं रहा था, तो उसने सुजावन देव के मंदिर के ऊपर एक निर्मित पंडाल बनवाया ताकि जो है बारिश से भगवान भोलेनाथ बच सकें। तो आप ऊपर का जो पंडाल देख रहे हैं जिसमें झंडा फहर रहा है उसके नीचे, वो अकबर द्वारा बनाया गया है। उसमें अकबर की दीन इलाही धर्म के कुछ आयतें भी लिखी हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कहीं पहुंचो तो पहले पढ़ लो। कुछ जगहों में से एक है जहाँ पे ओमकारा फिल्म की शूटिंग हुई थी, और ओमकारा फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। और एक स्तूप भी है, अब इस स्तूप के बारे में क्या जानकारी है, मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ।